असल मैं रबाल था के, अगर हम नमाज पढ़ते हैं और अगर हम किसी को दावत नमाज की नहीं देते हैं मतलब इसलिए नहीं देंगे हम अगर उन्हें बोले हैं कि मैं नमाज पढ़ो तो हमें मतलब तो एकदम गिरा के दिखते जो है मतलब अपने आपको मनत बताने जा रहा है आपको परेजार बताने जा रहे हैं हमारे कुछ ऐसा बात करने वाले है वो लोग लेकिन करते नहीं तो क्या मतलब उनको अगर हम नमाज की दावत नहीं दी होगा हमें गुना होगा क्या थोड़ा इसको वजह करेगा भाई साहब ने सवाल पूछा है बहुत वाजे नहीं हो सका मेरे लिए कि क्या पूछना चाहते हैं शुरू में इन्होंने कहा कि हम किसी को नमाज़ की तरफ बुलाते हैं तो वो ये वो सामने वाला एतराज़ करता है इनके जहन में आता है कि तकवे वाली बात आती है कि बहुत मनतकी बनते हैं ये वो तो देखिए अगर नेक काम की तरफ आप किसी को बुला रहे हैं और आप मुखल हैं यानी आपके दिल में खोट नहीं है आपके के अंदर अखलास है और आपका जो तरीक़ा है बुलाने का वो भी नबीवी तरीक़ा है और भी सहाबिक राम का तरीका है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आप पे कोई कि, कि, किसी तरह का भी इल्ज़ाम लगाए आपको तकवा दिखाने का इल्ज़ाम लगाए किसी तरह का भी इल्ज़ाम लगाए अगर आप अपनी जगह पर ठीक हैं ठीक होने का मतलब कि आपकी नीयत सही है और आपका अंदाज भी सही है वरना अगर आपकी नीयत गलत है वाकई जो है तकवा दिखाने की बात है तो ये गलत चीज़ है और अगर नीयत सही है लेकिन तरीका आप ऐसा अपना रहे हैं जो सामने वाले के लिए तकलीफ दे तो ये भी ठीक नहीं है तो सही ढंग से सही तरीके से सही नीयत के साथ अगर आप नेक काम कर रहे हैं किसी को बता रहे हैं नक की तरफ़ बुला रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं लोगों के इज्जाम लगाने से आपको नहीं रुकना चाहिए ये शायद आपने पूछा है या हो सकता है आखिर में आखिर के अल्फाज सुन के ये लगता है कि कोई आदमी नमाज़ नहीं पढ़ता है अगर हम उसको नहीं बताएंगे तो क्या हमें गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो देखिए इसकी अलग अलग हालतें हैं अगर सामने वाला जो नमाज़ नहीं पढ़ता है उसको पता ही नहीं उसको नहीं पता है कि नमाज पढ़ने से गुनाह मिलेगा नमाज़ पढ़ना कितना बड़ा पाप है वो किसी प्रोग्राम में नहीं गया किसी जलसे में नहीं गया उसको मालूम ही नहीं है और आपको पता है कि ये बंदा कुछ नहीं जानता है और आपके पास वो इल्म है तो आपके लिए बताना जरूरी है यानी आप इतनी बात जानते हैं तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि उस शख्स को आगाह करें कि इसमें गुनाह है लेकिन ऐसे हालात आज बहुत साजो नादर ही हो सकते हैं मतलब बहुत नामुमकिन सी बात लगती है कि किसी मुसलमान को ये ना पता हो कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है इसलिए अगर आप किसी को नमाज के लिए नहीं बुला रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि आपको गुनाह मिलेगा नमाज़ पढ़ने की ज़िम्मेदारी हर शख्स की है और हर शख्स उसका ज़िम्मेदार है और हर शख्स को नमाज़ पढ़ना चाहिए अगर आप किसी को बुलाते नहीं हैं नमाज़ की दावत नहीं देते इसका यह मतलब नहीं कि उस तक दावत नहीं पहुँची है या उस तक इल्म नहीं पहुँचा है आज तो घर घर मोबाइल है और वसाइल है लोगों के पास तो आज तो और ज़्यादा इस बात का इम्कान नहीं रह जाता है कि किसी को पता ना हो कि ये चीज़ जो है पाप है गुनाह है इसलिए अगर आप किसी को आज के हालात में किसी को मुसलमान को आप नमाज के लिए नहीं बुलाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि आप पे गुनाह मिलेगा इला की वाक़ी ऐसा बंदा हो जिस तक दावत नहीं पहुंची जिसको नहीं पता है और आपको पता है तो फिर आपको बताना चाहिए लेकिन इस सब के बावजूद घर से आप गुनहगार नहीं होंगे उसको दावत नहीं देंगे तो तो भी आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है एक अखलाक़ी जिम्मेदारी बनती है एक दावती जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मुनकर कर रहा है गलत काम कर रहा है तो आप उससे रोकें क्योंकि तो सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मर आम इनको मुनकर फ़लबेदी फ़िल्म फ़ब लसानी फ़िल्लम फ़बल्बी ही वजाल का ईमान कि तुम तो ऐसे कोई गलत बात देखे तो अपने हाथ से रोके अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता तो अपनी ज़बान से रोके और अपनी ज़बान भी नहीं इस्तेमाल कर सकता तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जाने तो इसलिए गर्चे आप उसको अगर नमाज के लिए नहीं बुलाएंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा फिर भी आपको उसे बुलाते रहना चाहिए और सही बात की दावत उसके सामने पेश करते रहना चाहिए लेकिन उसमें किसी तरह का किब्र ना हो गुर ना हो घमंड ना हो वरना लेने के देने पड़ सकते हैं बजाय इसकी कि उसका जो नुकसान दिख रहा है उससे बड़ा नुकसान आपका हो सकता है अगर आपने तकब्र गुर या इस तरह की बड़ी बड़ी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए जैसे सुनान नबी दावत की रवायत है कि अब बनो इसराइल में दो लोग थे अहद हुमा फिल इबादती व आखर व कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा इबादत करता था दूसरा गुनहगार था तो जो इबादत गुजार शख्स था ये बार बार जो है गुनहगार शख्स को टोकता था बताता था तमबी करता था कि आओ इबादत करते हैं तो एक दिन उसे गुस्सा आ गया और उसने कह दिया कि तो मेरा ठेकेदार होकर पैदा हुआ तो ये शख्स जो इबादत गुजार था इसे गुस्सा आ गया और उसने ये कह दिया कि अल्लाह ताला तुझे माफ़ी नहीं करेगा तो हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे माफ़ कर दिया जो गुनहगार था और ये शख्स जिसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला इसे कहता है कि मैं उसे जन्नत में भेज रहा हूँ क्या तू रोक सकता है तूने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि उसे माफ़ नहीं करूँगा ये तू कौन होता कहने वाला उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसे उठा के जहन्नम में डाल दो तो वो शख्स जो उसको बुला रहा था ना वही सीधा में चला गया इसलिए ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि आदमी खुद को जनती समझे और सामने वाले को में बना दे तो ये तरीका अपनाएंगे तो उल्टा आपका नुकसान हो सकता है तो जो सही तरीका है उस तरीके पर दावत देनी चाहिए लोगों को खैर की तरफ बुलाना चाहिए उम्मीद है कि बात आपके समझ में गई होगी